हेलो एवरीवन आई एम किंजल प्लीज कंफर्म इफ़ आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू यू और मैं हूँ आपकी मेंटोर फॉर इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द एग्जामिनेशन एस बी आई सी बी ओ हेलो एवरी वन आई एम किंजल एंड आई एम योर मेंटोर फॉर इंग्लिश फॉर एस बी आई सी बी ओ प्लीज़ कन्फर्म इफ़ आई एम विजिबल एंड ऑडिबल टू यू क्या मैं दिख रही हूँ क्या ये बोर्ड दिख रहा है क्या आपको ऑडिबल है क्या सब कुछ विजिबल है क्लियरली काइंडली कन्फर्म ठीक है सो इन टुडेज सेशन आज के सेशन में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं थोड़ा बहुत समझने वाले हैं कि पेपर कैसे आएगा एज यू नो द टाइटल ऑफ टुडेज सेशन से इज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सो वेन आई से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आई डो नॉट मीन द क्वेश्चन इट सेल्फ आई जस्ट मीन द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन एक ऐसा पैटर्न क्वेश्चन का जो कि बहुत क्या है कॉमन है एक ऐसा पैटर्न जो कि क्या है बहुत ही कॉमन देखने को मिलता है आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पैटर्न टाइप के क्वेश्चन अच्छा मैंने आपको कल भी बताया था मैंने आपको कल भी बताया था कि इंग्लिश के कैसे कैसे टाइप के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं देर आर क्वेश्चन बेस्ड ऑन वोकेबलरी ऑन ग्रामर ऑन डिफरेंट थिंग्स बट बिफोर एवरी थिंग एल्स आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि आपने शायद मुझे इन कपड़ों में एंड नॉट वियरिंग दी अड्डा टी शर्ट पहली बार देखा होगा ऑन दिस चैनल इट इज़ बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग दिवाली टुडे एंड ऑन दी ओकेजन ऑफ दिवाली अड्डा टू फोर सेवन इज गिविंग यू अ बिग सेल राइट नाउ so there is a double validity system going on right now if you use a certain code there is a maximum discount chance अगर आप यू कोड यूज करते हैं वाई सिक्स फाइव नाइन अगर आप कोड यूज करते हैं वाई सिक्स फाइव नाइन तो आप मैक्ममम डिस्काउंट ले सकते हैं यहाँ पे बिग सेलेक्शन डे पे ठीक है एंड इफ यू यूज माई कोड यूल गेट मैक्मम डिस्काउंट दैट इज माई गारंटी नाउ हम इस डिस्काउंट्स के बारे में लास्ट में बात करेंगे हम थोड़ी सी पढ़ाई पहले कर लेते हैं बिकॉज आई गेस हमें पढ़ाई पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना चाहिए ठीक है नाउ लेट्स सी सो चूज द वर्ड और ग्रुप ऑफ द वर्ड विच इज मोस्ट ऑपोजिट इन द मीनिंग प्लीज रीड दिस क्वेश्चन प्लीज रीड द डायरेक्शन फर्स्ट यहाँ पे जो डायरेक्शन दिया हुआ है आप ये डायरेक्शन पढ़िए और बताइए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे प्लीज़ रीड द क्वेश्चन हेलो एवरीवन हेलो हाय 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 गुड इवनिंग हेलो एवरीवन ठीक है आई होप आपने डायरेक्शन पढ़ लिया होगा द डायरेक्शन से आपको सबसे मोस्ट ऑपोजिट ये बोल रहा है मोस्ट ऑपोजिट बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो बस ये वोकैबलरी क्वेश्चन देखा हमने देखा हमें उन्हें बस ऐसा लगता है कि उन्हें सिनोनिमस वर्ड्स ही ढूंढने हैं उन्हें सिनोनिमस वर्ड्स ही ढूंढने हैं बट ऐसा नहीं है आप दूसरे आप ऑपोजिट वर्ड्स भी ढूंढ सकते हैं है ना सो फोर क्लोजर तो यहाँ पे देखो आपको ऑपोजिट वर्ड ढूंढने के लिए पूछा गया है सो दिस इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज़ कॉमन एज फार एज ऑफिसर बेस्ड जॉब हो जब आपकी ऑफिसर बेस्ड जॉब हो जैसे कि आप समझते हैं सी बी ओ भी एक ऑफिसर बेस्ड जॉब है अगर क्लरिकल जॉब है तो अलग बात है अच्छा याद रखिएगा इंग्लिश का मैक्सिमम वेटेज है आपके एग्जाम में क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल थर्टी मार्क्स का तो आपका एम सी क्यू आएगा इंग्लिश में उसके बाद जो ऐसे राइटिंग और प्रेसी राइटिंग ऐसे राइटिंग uh, और लेटर राइटिंग है इसमें भी दे स्पेसिफाई uh, कि बैंकिंग वाला टर्म होगा बट लास्ट ईयर इट सेल्फ दे हैड एन ऑप्शन और उसमें नॉन बैंकिंग का टर्म एक पूछा गया था दे एक्चुअली टॉक्ड अबाउट वर्क प्लेस बुलिंग कि आपके अगर वर्क में आपके साथ कोई कॉलीग हैं जो आपको बुली करने की कोशिश करते हैं या कर रहे हैं तो इस बारे में आपको एक छोटा सा ऐसे लिखना था सो वॉट आई वॉन्ट टू

द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अलाउ अलाउ यानी क्या होता है उस चीज को पास होने देना उस चीज को होने देना फोर क्लोजर इज नॉट अलाउिंग कब्जा करना बंद करवाना है ना तो यहाँ पे बहुत ही सिमिलर वर्ड है प्रीक्लूड डेप्राइव का मतलब होता है जब किसी इंसान को कोई चीज ना मिल पाए जब किसी भी इंसान को कोई चीज ना मिल पाए उसे हम कहते हैं डेप्राइव Prevent का भी मतलब है रोकथाम लगाना लीगलाइज का मतलब है लीगली उसको अलाउड कर देना लीगली उसे अलाउड कर देना लीगल बट uh, आप एक सिस्टम अगर है जिसको आप बंद करवा रहे हैं तो फिर आप उसको अलाउ कराएंगे लीगल इज अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, ठीक है नाउ skeptical this is one of my favorite word please uh, tell me what is the answer Jaldi डाउट्टिकल का मतलब होता है जहाँ पे आपको क्या हो डाउट हो जैसे आपसे अगर आपने मान लीजिए अभी तक फॉर्म नहीं फिल किया है एस बी आई सी बी ओ का तो आपको बहुत जल्दी कर लेना चाहिए और आप अगर ये फॉर्म फिल करके आगे बढ़ना चाहते हैं आप एग्जाम देना चाहते हैं तैयारी करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जल्दी ये डिसीजन ले लें बट हो सकता है हो सकता है कि आप ये डिसीजन ना ले पाए आपको इस डिसीजन लेने में थोड़ी सी डाउट हो कि मैं ये फॉर्म भरूँ भी या ना भरूँ ये ऑफिसर लेवल जॉब है बट आ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अभी प्रिपेयर कर पाऊँगा या नहीं तो ये जो आपके मन में शंका है ये जो मन में आपके डाउट है इसी को हम बोलते हैं स्केप्टिकल इसी को हम बोलते हैं स्केप्टिकल 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 यानी doubtful, यानी डाउटफुल, डाउटफुल। तो यहाँ पे यहां पे डाउटफुल का हमें ऑपोजिट वर्ड बताना है हमें डाउटफुल का ऑपोजिट वर्ड बताना है ऑल वी नीड टू डू इज फाइंड वर्ड फॉर डाउटफुल द करेक्ट आंसर इज कन्विंस्ड द करेक्ट आंसर इज कन्विंस्ड सी कन्विंस्ड सी हमारा करेक्ट आंसर है कन्विंस्ड डिसेंटिंग का मतलब क्या होता है डिसेंटर डिसेंटर डिसेंस, डिसेंटिंग का मीनिंग क्या होता है डिसेंटिंग का मीनिंग होता है जब आप जब आप खिलाफ है जब आप किसी भी चीज के खिलाफ हैं, तब आप कहते हैं डिसेंटिंग वेन यू आर अगेंस्ट एनी थिंग दैट इज कॉल्ड एज डिसेंटिंग ठीक है डाउट यू नो वॉट इट इज सिनिकल अनदर वेरी गुड वर्ड

स्केप्टिकल जिसको डाउट हो और उल्टा होगा कन्विंस जिसको बिल्कुल भी डाउट ना हो जिसका विजन बिल्कुल क्लियर हो जो कन्विस्ड हो जिसका विजन क्लियर हो जिसका एम क्लियर हो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज दिस पर्सन इज कन्विंस्ड विथ हिज़ ओन ब्रेन विथ हिज़ ओन डिसीजन ठीक है नाउके प्लीज रीड दिस डेक्शन Please read the direction for this question. Please read the direction for this question.

एंड ई e, नहीं होगा दीपक दैट इज एप्सोल्यूटली करेक्ट सी एंड ई नहीं होगा दैट इज एप्सुलूटली करेक्ट देखो डाउन टर्न का मतलब होता है जब आपका फॉल साउथ हो रहा हो द करेक्ट आंसर हिस्स इज डेसेंट डेन्ट का भी मीनिंग वही होता है जब आप क्या जा रहे हैं आप डाउनवर्ड जा रहे हैं जब आप साउथ जा रहे हैं और देखो persistent इतना कॉमन वर्ड है वेरी कॉमन वर्ड इट इज अ वेरी कॉमन वर्ड ऑल यू नीड टू डू इज फाइंड आउट से कौन सा वर्ड क्लोज है परसिस्टेंट के कौन सा वर्ड क्लोज है परसिस्टेंट के जल्दी से बताइए परसिस्टेंट के कौन सा वर्ड क्लोज है ओके आई टेल यू हाँ चलो मैं बता देती हूँ परसिस्टेंट का मतलब होता है बार बार किसी को बोलना बार 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 फोर्स करना बार बार बोलना दैट इज कॉल्ड एज परसिस्टेंट है ना और परसिस्टेंट से क्लोज यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये है टिनाशियस टिनाशियस ऑप्शन नंबर बी आई डेफिनेटली सजेस्ट यू टू राइट डाउन द मीनिंग्स समवेयर आप अपना नोट्स बनाइए एग्जाम में अगर हमें क्वालिफाई करना है अगर हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अच्छा ये हमने चार क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए ये सारे वोकैबलरी के क्वेश्चन थे अभी हम सिर्फ एमसी क्यू प्रैक्टिस कर रहे थे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे बट जब आप मेरी क्लास में आएंगे वेन वी विल स्टडी टूगेदर आई टेल यू ट्रिक्स tell you tricks on how to attempt these vocabulary based questions हम समझेंगे कि इस वोकैबलरी को हमें कैसे uh, अटेम्प्ट करना है हमें इसे लॉन्ग टर्म के लिए कैसे लर्न करना है ये सारी जो बातें हैं जैसे कि यहाँ पे टेनाशियस और परसिस्टेंट दोनों इजी वर्ड्स हैं स्टार्टिंग में हमने पढ़ा स्केप्टिकल और सनिकल मेरे अकॉर्डिंग दोनों इजी वर्ड्स हैं बट ऐसा स्टूडेंट्स के साथ नहीं होता एस्पिरेंट्स के साथ नहीं होता तो जब आप क्लास में आएंगे आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड देन आई गिव यू ट्रिक्स एंड अंडरस्टैंडिंग एंड आइडियाज टू लर्न देम एंड मेमोराइज देम फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ठीक है ओके okay. सुननाओ Let us move ahead. अब देखो यहां पे हमें क्या करना है मैं आपको बता देती हूं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आप देखेंगे ये थोड़ा बोल्ड में दिया हुआ है गेटिंग अलोंग यहाँ पे ये जो गेटिंग अलोंग दिया है इसे हमें रिप्लेस करना है विद आइदर ऑफ दीज वन इसे इसे हमें replace करना है है ठीक हम हम कहते हैं phrase replacement. This is called as phrase replacement. हम एक सेंटेंस का पार्ट ले रहे हैं और उसे रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पे सेंटेंस समझिए और मुझे बताइए कि क्या रिप्लेसमेंट होगा सेंटेंस समझिए मुझे बताइए क्या रिप्लेसमेंट होगा हेलो हेलो भीम हेलो हेलो नीतीश हेलो दीपक हेलो टू एवरीवन प्लीज टेल मी द आंसर्स ई ओके देखिए द काजन सीम टू बी गेटिंग अलोंग वेल विथ ईच अदर गेटिंग अलोंग का मीनिंग क्या होता है गेटिंग अलोंग का मीनिंग होता है जब पहला सेंटेंस क्या बोलना चाह रहा है कि कजिन साथ में अच्छे से आगे बढ़ पा रहे थे कजिन साथ में अच्छे से आगे बढ़ पा रहे थे ये आगे अच्छे से रह पा रहे थे है ना अब ये बोल रहे हैं द कजिन सीम टू बी गेटिंग अलोंग विथ वेल विथ ईच अदर तो गेटिंग अलोंग का मीनिंग क्या है कि इनका जेल अप दे वर जेलिंग अप वेल देअर रिलेशनशिप वॉज कॉर्डियल दे वर एबल टू सिट टूगेदर लाफ एंड बी टूगेदर कॉर्डियली विथ रेस्पेक्टिंग ईच अदर सो दैट इज कॉल्ड इज गेटिंग अलॉन्ग तो अगर हम देखें तो इसका यूजेज एब्सोल्यूटली करेक्ट हुआ है कि जब यहाँ ये बोल रहे हैं गेट अवे विथ जब यहाँ पे ये बोल रहे हैं गेट अवे विथ जब ये बोल रहे हैं गेट अवे विथ तो गेट अवे विथ का मीनिंग क्या होता है वॉट इज द मीनिंग ऑफ गेट अवे विथ गेट अवे विथ का मीनिंग होता है आपने कोई सिन किया आपने कोई अपराध किया आपने कुछ तो भी गड़बड़ की है ना कुछ तो भी गड़बड़ दया से करवाई या करी और यू गॉट अवे विथ इट दैट मीन आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिली आपको उसके बदले कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली दैट इज कॉल्ड एज गेटिंग अवे विथ इट दैट इज कॉल्ड एज गेटिंग अवे विथ इट जब आपको उसके बदले कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली नेक्स्ट इज ही द नेक्स्ट वर्ड दैट यू नीड टू चेंज हियर इज गेव इन प्लीज टेल मी प्लीज टेल मी क्या रिप्लेस होगा जल्दी से बताइए क्या रिप्लेस होगा नीतीश नीतीश यस वी कैन ऑलवेज आई कैन डू इट वेरी इजिली

इसका मीनिंग क्या होता है वॉट इज द मीनिंग ऑफ गेव अप और गिव अप इट इज टू एक्सेप्ट इट इज टू एक्सेप्ट दैट यू आर गोइंग टू बी अ फेलियर एट दिस एंड यू आर नॉट प्रोसीडिंग विद दिस आइडिया हम इस आइडिया के साथ आगे लाइफ में नहीं जाना चाहते दैट इज कॉल्ड एज गिविंग अप विच इज दर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू

करेक्शन आर यू श्योर लेटेस्ट सी दिस आफ्टर ऑल द प्रिपरेश मंथर्ट द फाइनल प्रेजेंटेशन वॉज अटड डाउन लेट डाउन का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो आपको डिसअपॉइंट करे कोई ऐसी चीज जो आपको डिसअपॉइंट करे एनीथिंग दैट कैन डिसअपॉइंट यू एट अ डिसटन डिग्री इज कॉल्ड एज लेटिंग डाउन लाइक इफ इफ यू यू फेल इन एन एग्जामिनेशन यू विल लेट डाउन योर सेल्फ इफ़ यू फेल इन एन एग्जामिनेशन यू वर इफ़ यू वुड हैव फेल इन एनी एग्जामिनेशन यू वर इन स्कूल यू वुड हैव लेट डाउन योर पेरेंट्स अगर आज आप किसी एग्जाम में लेट डाउन अगर आप कि, आज किसी एग्जाम में डिसाइड करने के बाद मेहनत नहीं करेंगे तो आप अपने आप को लेट डाउन कर रहे हैं क्योंकि आप फेल होंगे तो आप अपने आप से लेट डाउन आप अपनी एक्सपेक्टेशन से डिसअपॉइंट होंगे और पास्ट में अगर आप स्कूल एग्जाम में कभी फेल होते थे या मेहनत नहीं करते थे जब आप छोटे थे जब आप उतने मिच्छे और नहीं थे तब आप किसको लेट डाउन करवा रहे थे आप आपके अपने पेरेंट्स को लेट डाउन करवा रहे थे ठीक है सो द आंसर हियर विल बी नो करेक्शन रिक्वायर्ड द आंसर हियर विल बी अगेन नो करेक्शन रिक्वायर्ड ठीक है ये आफ्टर ऑल द प्रेपरेशन एंड मंथ्स ऑफ द एफर्ट द फाइनल ये तो हो गया जस्ट अ मिनट स्मोकर्स विच अच्छा ये एरर बेस्ड क्वेश्चन है ये एरर बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे द सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू टू फोर टू फाइव पार्ट्स जो सेंटेंस होता है वो फोर टू फाइव पार्ट्स में डिवाइडेड होता है एंड यू एज अ स्टूडेंट एज एन एस्पिरेंट राइटिंग द एग्जाम हैव टू फाइंड आउट कि इसमें से एरर कहाँ पे होगा इसमें से एरर कहाँ पे है जल्दी से बताइए

हम हु कहाँ यूज करते हैं और हम विच कहाँ यूज करते हैं हम हु वहाँ पे यूज करते हैं जब हम किसी इंसान की बात कर रहे हैं और विच हम तब यूज नहीं करते यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं स्मोकर्स हु इन द सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस एज वेल तो ये प्लेसमेंट के हिसाब से तो सब्जेक्टिव है प्लेसमेंट के हिसाब से जहाँ पे प्लेस किया गया है सेकेंड वर्ड ऐसा लग रहा है कि सब्जेक्टिव है है या नहीं इतनी जो डीप अंडरस्टैंडिंग है ऑल ऑफ दैट विल बी क्लियर इन द क्लासेस अच्छा क्लासेस में जब हम प्रोनाउन पढ़ेंगे क्लासेस में जब हम प्रोनाउंस पढ़ेंगे सो आई आल्सो टेल यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस और इसमें से कौन से प्रोनाउंस होते हैं जो स्टार्टिंग में लग सकते हैं कौन से प्रोनाउंस हैं जो आखिरी में लग सकते हैं ठीक है हम ये सारी बातें क्लासेस में भी करेंगे यहां पे भी मैं आपको बता रही हूँ कि वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन हु एंड विच सो हु विल बी वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स वेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स ठीक है ओके सो विच शुड बी रिप्लेस बाय हु यूज फॉर पीपल वाइल विच इज यूज फॉर एनिमल एंड थिंग्स इन जनरल अब नाउ दिस ब्लैंक पेज फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हमें आगे क्या करना है तो मैं आपको बता दूं कि बाय बाय ऑफ नवंबर दू की बैच वी आर लॉन्चिंग अ बैच फॉर एस बी आई सी बी ओ फॉर एस बी आई सी बी ओ वी आर लॉन्चिंग अ बैच फॉर एस बी आई सी बी ओ एंड यू कैन यूज द कूपन कोड वाई सिक्स फाइव नाइन देर यू कैन यूज द कूपन कोड वाई सिक्स फाइव नाइन देअर बट हमें क्या करना है हमें क्या करना है आई टेल यू वॉट यू need to do about this. आपको इस चीज के लिए क्या करना है मैं आपको बता देती हूँ तो आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं बट आपको आज ये कोर्स क्यों परचेज करना है मैं इसका आपको रीजन बता देती हूँ मैं इसका आज आपको रीजन बता देती हूँ सो so, आप ये अड्डा के स्टोर में जाइए और ये जैसे ही पेज खुलेगा गो टू एस बी आई सी बी ओ गो टू एस बी आई सी बी ओ एंड आप जैसे ही ये पेज खोलेंगे एस बी आई सीबीओ वाला आप जैसे ही ये पेज खोलेंगे यू विल सी यहाँ पे लिखा है सर्कल बेस्ड ऑफिसर फॉर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री यूल सी हियर इन द डिटेल्स दैट आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश हियर है ना और इफ यू सी द कोर्स इज अराउंड ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज इट अराउंड उजेंड रुपीज राइट मैंने आपको बताया इफ यू यूज द कूपन कोड वाई सिक्स नाइन यूल गेट द मैक्म डिस्काउंट यूल गेट द मैग्म डिस्काउंट एंड आई शो यू हाउ जैसे आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हमने कूपन कोड डाला वाई सिक्स फाइव नाइन वाई सिक्स फाइव नाइन

वहां पे आपको और भी बड़ा डिस्काउंट मिलेगा एंड यू कैन अवेल दो डिस्काउंट्स एज वेल ओनली बाय यूजिंग द कूपन कोड ओनली बाय यूजिंग द कूपन कोड वाई सिक्स फाइव नाइन प्लीज रिमेंबर इट इज वाई सिक्स फाइव नाइन विच हैज मेड ऑल द चेंजेस ठीक है ओके डू यू हैव एनी अदर डाउट किसी के पास भी कोई भी ऐसा कुछ भी डाउट है किसी को किसी को भी कोई भी डाउट है जल्दी से बताइए आई हि टू टेक योर डाउट वी हैव ऑल द टाइम इन दिस वर्ल्ड वी हैव ऑल द टाइम इन दिस वर्ल्ड प्लीज टेलमी इफ यू हैव एनी अदर डाउट प्लीज टेलमी इफ यू हैव एनी अदर डाउट्स किसी को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू इंग्लिश रिलेटेड टू एस बी आई सी बी ओ बैच रिलेटेड टू एनी थिंग हैप्पी दिवाली मैम सेम टू यू केदार अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू टू हम्म दिशा दिशा सेज मैंने मैम आपको फर्स्ट टाइम देखा आई होप दिशा इट वॉज गुड टू लर्न फ्रॉम मी ग्रेट ग्रेट ओके सो आई थिंक नो अदर डाउट्स एंड आई सी यू देयर अच्छा मैं एक और आपको बात बता दू एस बी आई सीबीओ में डिस्क्रिप्टिव भी आता है एस बी आई सी बी ओ में डिस्क्रिप्टिव भी आता है और हम आपके डिस्क्रिप्टिव की बहुत अच्छी तैयारी करेंगे जैसे मैं आपको बताऊँ लास्ट ईयर लास्ट ईयर एक स्कीम uh, के बारे में ऐसे पूछना आया था बट वो ऑप्शन में एक नॉर्मल ऐसे भी पूछना आया हुआ था कि वर्क प्लेस बुलिंग कैसी हो के बारे में कुछ बताइए लेटर राइटिंग में भी आई टेल यू एवरीथिंग हाउ टू फॉर्म अ लेटर हाउ टू मेक इट अ गुड लेटर इन एवरीथिंग ठीक है, ओके राजेश अ वेरी हैप्पी दिवाली टू यू टू चलो आई टेक योर लीव नाउ, आई वॉन्ट टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस एंड आई होप कि इस दिवाली के बाद जब आपकी नेक्स्ट दिवाली आए सो बाय नेक्स्ट दिवाली यू हैव योर ड्रीम जॉब और आप एक सरकारी नौकरी में रहें ठीक है थैंक यू एंड अ वेरी गुड डे बाय